फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पढ़ ली थी, लेकिन उससे पहले कुछ कमीशन बनी थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कमीशन बनी थी ली कमीशन। अब भाई पता है ली कमीशन क्या थी? भारत में आईसीएस ऑफिसर तो बनने लगे, इंडियन सिविल सर्वेंट, जो आज के जमाने में आईएएस होते हैं, अब वो तो बनने लगे। लेकिन अंग्रेज अपने हिसाब से तय कर रहे थे उनको, कहना हम अपने हिसाब से करेंगे, ऐसे करना है वैसे करना है। तो अंग्रेज जब अपने हिसाब से कर रहे थे तो बड़ा मुश्किल हो रही थी भारत के लोगों को। अरे हमारे देश में तुम ऑफिसर बन के आ रहे हो, हमारे देश के नेताओं को कुछ, मतलब लड़कों को कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या हुआ कि ली कमीशन बनी 1923 में, और इस कमीशन ने क्या देखा कि जो सिविल सर्वेंट जो बनने, उनके बारे में सोचा और बताया कि भाई आप ऐसा करो, एक कमीशन बनाओ, एक आयोग बनाओ जिसकी स्थापना भारत में हो, और वही भारत में एग्जाम कंडक्ट कराएगा और वही भारत में लोगों को रिक्रूट करेगा। और ये संभवतः जो आयोग बना था वो बना था जो आज के ज़माने में जो इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो उत्तर प्रदेश का वो है, क्या बोलते हैं, कमीशन आए, वही पर बना था। ऐसे भारत का प्रोविंशियल कमीशन क्यों था? 1919 की एक्ट में ये कहा गया था कि हम सिविल सर्विसेजों में सुधार करेंगे, मतलब भारत की प्रशासनिक सेवा में हमें सुधार करना है। तो ये 1919 की एक्ट को सुधारने की मुद्यमन कमेटी, मुद्यमन कमेटी। और 1924 में बनने के बाद इस कमेटी ने ऐसा किया कि जो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो रहे हैं, जो संवैधानिक सुधार हो रहे हैं, संवैधानिक सुधार में किन किन चीज़ों की जरूरत है और किन किन चीज़ों को हमें इंक्लूड करना चाहिए, समाज को, संविधान को, और क्या कहते हैं, माइनॉरिटी को, इन सब के बारे में रिपोर्ट देने वाली कमेटी थी मुद्यमन कमेटी, है ना। और एक और कमेटी ये बनी 1926 में। अब क्या था भाई इसका काम क्या था? क्योंकि भारत की उस समय जो अर्थव्यवस्था थी, बात समझिए आप, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी पूरी की पूरी किस पर डिपेंड थी? पूरी की पूरी डिपेंड थी कृषि पर। तो इन्होंने लिलिंगदो कमेटी ने कहा, मतलब ये बनाई इसीलिए कि जो कृषि कार्य हैं, एग्रीकल्चरल रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको हमें क्या करना है, उनको हमें सुधार करना है, और किस तरह से एग्रीकल्चर को और ज़्यादा बूम किया जाए, किस तरह से उसके जब अच्छे से बनाया जाए, उसके बारे में इन्होंने बताया। बात बनी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन और साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में भारतीयों ने बनाया नेहरू रिपोर्ट। जब नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन बन गई, इसके बाद के डेवलपमेंट देखिए कि भारत में हो क्या रहा था। तो हमें शुरू से समझना चाहिए, गांधी जी का आगमन और गांधी के बाद रॉयल एक्ट का आना, जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग आंदोलन होना, और फिर 1919 की एक्ट का आना, और उसके बाद ली कमीशन, लिलिंगदो कमीशन, इन सब का बनना, और साइमन कमीशन, और भारतीयों को चुनौती देना कि तुम में दम है तो करके दाओ। भारतीयों ने फंडामेंटल राइट की बात कर दी। तो जब नेहरू रिपोर्ट में, अब यहां से मुख्य बात है, नेहरू रिपोर्ट में से पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, और पूरे भारत में पूर्ण स्वराज की जो बिगुल भूकने वाला या पूर्ण स्वराज को पूरे भारत में फैलाने वाला जो आदमी था, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा, सभी की डिमांड थी लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया तो एक कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया, लाहौर अधिवेशन 1929 में, और इस अधिवेशन में पता है क्या बात बोली? हाँ, पहले तो सबसे बड़ी बात थी किसका अध्यक्ष कौन बने। तो गांधी जी को पता था कि पूर्ण स्वराज की मांग को फैलाने वाला कोई और नहीं है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया। लाहौर अधिवेशन के पहली बार एक युवा शक्ति, युवा जोश से लवरेज आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू उसके अध्यक्ष बन गए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके अध्यक्ष बन गए तो उन्होंने पूर्ण रूप से कहा कि हमें कुछ और नहीं चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता, और हमें पूर्ण स्वतंत्रता में अपने सारे अधिकार सब कुछ चाहिए, हम अपने तरह से इस देश को चलाना चाहते हैं, आप अपने तरह से इस देश की रक्षा करना, अपने देश अपने तरह से हम अपने नियम कानून बनाना चाहते हैं। तो जब हुआ तो जब घोषणा ही कर दोगे और कुछ करोगे नहीं तो आपको मानेगा कौन? कह दे कि नहीं भैया हमने ये घोषणा कर दी, हम ये लेंगे, आपको करके दिखाना पड़ेगा। इतिहास यही कहता है कि जो करके दिखाता है वही है सही, नहीं तो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू ने उसी दिन कहा
कि आगे आने वाली कौन सी तारीख थी वालों को जल्दी बताओ, जिस दिन रावी नदी के किनारे पर उन्होंने झंडा फहराया था। दोबारा बताओ सही से देखे, 31 दिसंबर 1929। वेरी गुड, इन्होंने कहा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर। और देखो रावी नदी, रावी रिवर के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि में तिरंगा झंडा फहराया, तिरंगा झंडा। और देखो कितनी विचित्र बात है उस समय की और बाद के समय की, कि जवाहरलाल नेहरू ने देश की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को भी मध्य रात्रि को झंडा फहराया था देश की आज़ादी का यहाँ, और देश की आज़ादी का बिगुल फूकने के लिए जिस आदमी ने झंडा फहराया उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। जब ये झंडा फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा जब फहरने लगा तो उसी दिन इन्होंने रेजोल्यूशन लिया, शपथ ली कि अब भाई जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे वो कब मनाएंगे जल्दी बताओ, 26 जनवरी 1930 को। पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को क्या कहने लगे ये कि भाई 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया। अंत में चल के जब देश आज़ाद हो गया तो 26 जनवरी 1930 गणतंत्र दिवस के रूप में से हम आजकल मनाते हैं, लेकिन तब स्वतंत्रता दिवस था। और 26 जनवरी 1930 पूरे भारत में जोर शोर से मनाया गया और इस दिन रेजोल्यूशन पास किया, शपथ ली हमने कि हम पूर्ण स्वराज पर टिके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपने फंडामेंटल राइट चाहिए। और ये भी कहा गया कि जो गांधी जी हैं इनको अगुवाई करवाएंगे, गांधी जी अपना क्या करेंगे कि किसी भी मूवमेंट को चलाएंगे और उसकी अगुवाई करेंगे और कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन ऐसा जब चल ही रहा था, लेकिन क्या था दूसरी तरफ, क्या हो रहा गांधी का और कांग्रेस का दबदबा बढ़ता चला जा रहा था पूरे देश में। ये समझने की बात है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हमें स्वतंत्रता अपना देश का स्वतंत्रता जो आंदोलन था वो समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस का टेम्पो बढ़ता चला जा रहा था, कांग्रेस अपने दमखम पर लगी हुई थी, लेकिन गांधी जी तो समझदार आदमी 1929 के समय पर गांधी जी ने देखा कि जो राजनीतिक घटनाएँ वो कम होने लगी हैं। अब राजनीतिक घटनाएं कम होने लगी है तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना। 1929 में गांधी जी ने युवाओं को आह्वान किया और देश के सभी युवाओं सभी लोगों से कहा और पूरे भारत की यात्रा पर निकल गई है, पूरे भारत की यात्रा पर निकल गए दोबारा से गांधी जी, जैसे पहले 1916 में किया था। समझदार आदमी यही करते हैं कि लोगों में पहले जोश भरते हैं कि भाई किस किस तरह से काम करना है हमें, ऐसे नहीं बस उठे और काम करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने पूरे देश में घूमना शुरू कर दिया। जब 1929 में पूरे देश में घूमा और उसके बाद क्या हुआ, उस समय के वायसराय थे इरविन, लॉर्ड इरविन। और पता है इरविन डरे हुए थे, इरविन को समझ में आ रहा था कि अब कांग्रेस करने क्या जा रही है, अब नहीं वो वाली कांग्रेस नहीं है जो 1885 में बनी थी जैसे सेफ्टी वॉल बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। तो जब इरविन को बोला गया, इरविन ने एक अपना बोला था कि भाई जो साइमन कमीशन आई है, साइमन कमीशन को हम ऐसे लागू नहीं कर देंगे इस देश में, अगर साइमन कमीशन को लागू करेंगे तो उससे पहले हम भारतीयों को पूछेंगे। देख रहे हो ये होता है जन आंदोलन की शक्ति, कि जब तुम सभी को इकट्ठा लेके चलते हो तो आगे आने वाली अंग्रेज जैसी हुकूमत भी आपसे डरने लगती है। तो साइमन कमीशन क्या, साइमन कमीशन में जो रिकमेंडेशन किए वो इरविन ने ऐसा कहा कि हम एक राउंड टेबल गोल में सम्मेलन बुलाएंगे, उसमें आप सब लोगों को बुलाएंगे और आप सब लोग जो जो हमसे बात कहेंगे उनको हम मानने की कोशिश करेंगे। जब इन्होंने ऐसी बात बोली तो उसी समय क्या हुआ, एक डलही मैनिफेस्टो। और ये भारतीयों को खुश करने का था अरविंद का जो प्रस्ताव था, तो उसी समय डलही मैनिफेस्टो आया नवंबर 2, 1929 को। और इसमें मांग रखी, तो डलही मैनिफेस्टो दिल्ली का प्रस्ताव था क्या, देख रहे हो क्या लोग बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि हम राउंड टेबल में तो आएंगे कांग्रेस वाले, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि जो डोमिनियन स्टेटस की जो बात हमने मांगी है, डोमिनियन स्टेटस की जो बात मांगी है, राउंड टेबल में बैठ के उसके नियमों को डिस्कस करेंगे, है ना। और दूसरी बात, इसमें जो बात राउंड टेबल में जो लोग होंगे कांग्रेस ज़्यादा होगी भाई, कांग्रेस को तुम ऐसे ऐसे अपने लोगों को बुला लो और अपनी मर्जी से काम करो, ऐसे नहीं, कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा होंगे और डोमिनेंट स्टेटस की बात को हम वहाँ पर आके डिस्कस करेंगे उसके मामलों को। जब डली मैनिफेस्टो में ऐसा बोला दिल्ली के जो समझौते प्रस्ताव में, इरविन ने बोला ये इससे क्या है भाई, राउंड टेबल का तुम उद्देश्य ही नहीं समझ रहे हो,
राउंड टेबल का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम जाके डोमिनेंट स्टेटस के वहां पर नियम कानून को बताओ, डोमिनेंट स्टेटस की कोई बात ही नहीं है। हम तो भैया साइमन कमीशन में जो बात कही गई है उसको बताना चाह रहे हैं ना, साइमन कमीशन को समझो। लेकिन उन्होंने कहा साइमन कमीशन तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, ये क्या तुमने बना दिया है? एक तो पुराना ऐसा लग रहा है तुमने बासा खाना हमको परोस दिया है, जिन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है उनके बारे में तुम साइमन कमीशन बात कर रही है। और साइमन कमीशन तो वैसे भी हमारी नहीं है, लाला लाजपत राय जैसे आदमी ने अपनी शहादत दे दी है? तो ये क्या हुआ, साइमन कमीशन तो वैसे भी स्वेच्छ थी, भारतीय कोई था ही नहीं, हमें तो ये डिस्कस करना है। गांधी ने कह दिया ऐसा नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, और फिर दोबारा से गांधी जी ने 11 सूत्री मांग रख दी, और उसी के पहले पूर्ण स्वराज की मांग रख दी है ना, और कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे, पूरे देश में आंदोलन करेंगे, पूरे देश में आंदोलन। और पूरे देश में आंदोलन करने के लिए गांधी जी ने क्या चुना, ये भी तो सोचिए। गांधी जी की बात तो कोई पता था, गांधी जी की बात को कोई मानने वाला नहीं है, और गांधी जी ने डिमांड रंगी के जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको हटाओ, निकालो, और जो भी मतलब आदमी के साथ सही से व्यवहार करो, हमको अधिकार दो, ये सब मांगे मांगे। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने कहा राउंड टेबल करेंगे, तुम्हें चलना है चलो, नहीं जाना तो मतलब। तो उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे तो हम किसी के सुनने वाले नहीं है, हम सब कुछ सबकी माँ किसी की न सुनते हुए अपना काम चलाएंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की गांधी जी ने धमकी दे दी, तो उससे पहले गांधी जी ने कुछ तैयारियां भी कर ली थी। तैयारियां ये की थी कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी किस चीज़ को चुनते, किस चीज़ का साथ देते जिससे कि पूरी भारत की जनता साथ देती, जैसे नमक को चुना, नमक अरे आम जनता का था भाई, आम जनता से जुड़ना तो आम जनता की चीज़ों को तो आप पसंद देखिए ना क्या है। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को चुना और कहा कि मैं पहली बार नमक को नमक का कानून तोड़ूंगा, और नमक का कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली, बहुत महत्वपूर्ण है दांडी मार्च, दांडी पदयात्रा निकाली, और दांडी मार्च निकाली थी मार्च 12 से अप्रैल 6, 1930 तक ये निकाली। और गांधी जी ने दांडी से चल के कोस्ट पे पहुंचे, तट पे, और एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून तोड़ दिया, और नमक कानून तोड़ दिया तो क्या हुआ, पूरे देश में खलबली मच गई, अंग्रेजों में खलबली मच गई। हम जिस पर टैक्स लगा रहे थे, कर लगा रहे थे, और हमारे सामने हमसे वो क्या कहते हैं आँख मिला रहा है आदमी, लेकिन उनको भी पता था गांधी के साथ लोग हैं, और 78 लोग गए थे उनके साथ, और उन्होंने, और इसके बाद देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में नमक कानून तोड़ा गया। 1930 में बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया है, सी राजा गोपालाचारी ने तोड़ा है ना, और देश के अन्य अन्य हिस्सों में नमक कानून तोड़ा गया, और जैसे जैसे नमक कानून तोड़ा गया मालाबार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और अन्य क्षेत्रों में, जैसे जैसे नमक कानून तोड़ता गया अंग्रेजों की हालत खराब होती गई। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की हालत खराब हो गई थी, उन अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी को लिया और कहाँ पे डाल दिया, जेल में डाल दिया। कब डाला था, मतलब 23 अप्रैल से कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था 23 अप्रैल से, लेकिन गांधी जी को पकड़ा था 4 मई को, और 4 मई को जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद फिर करते हैं अपने की आगे की बातें। जब गांधी जी को जेल में डाल दिया, इधर उन्हें गोलमेज सम्मेलन भी कराना था, जब गोलमेज सम्मेलन कराना था और गांधी जी को जेल में रखेंगे तो कैसे काम चल जाएगा, तो गांधी जी को बाहर निकालने के लिए जहाँ पर गांधी जी बंद थे वहाँ पर उन भेजा गया जवाहरलाल नेहरू जी को, और उन्होंने जाके उनसे बात की, मोतीलाल नेहरू को भी साथ में भेजा था, और वहाँ जाके उन्होंने उनसे बात की, और बात करने के बाद गांधी जी को कुछ बिना शर्त के, देख रहे हो गांधी जी का टेम्पो, बिना शर्त के उस आदमी को छोड़ दिया और कहा जाओ हम आपकी शर्त मानेंगे और हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। क्योंकि अंग्रेजों को भी पता था अगर गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी और कांग्रेस नहीं गई तो उसका कोई औचित्य नहीं बचेगा। फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट पूरी तरह से सही से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भगत सिंह से संबंधित भी कुछ तथ्य हैं, इसे हम कल कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।